पहले आपको पिंक कलर लेना है, एक हार्ट बनाना है और बैकग्राउंड पे पिंक कलर को डायरेक्टली फिल करना है। चाहो तो ऐसे लाइंस बना लो, उसके बाद फिल कर दो। पिंक कलर होने के बाद ये जो वाइट वाइट स्पेस अगर दिख रहा है तो उसको या तो कलर से भरो या तो हाथ से स्मच कर दो। इसके बाद सैप ग्रीन कलर लेना है, बाकी के बैकग्राउंड को पूरा फिल करना है और ट्राई करना कि कलर ऐसे सर्कुलर मोशन में चलाओ। फिर डार्क ग्रीन लेके हमको इस तरीके से डॉट्स बनाने हैं, यानी कि बेसिकली हमको लीफ का इफेक्ट देना है। तो आप सैप ग्रीन के ऊपर भी और पिंक के ऊपर भी इस तरीके से चलाना है। लाइट ग्रीन कलर लेना है, इसको आप फिर से डार्क ग्रीन और थोड़ा सा पिंक के ऊपर भी और जो सैप ग्रीन था उसके ऊपर में भी हल्का हल्का चलाना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लाइट ग्रीन वाला इफेक्ट देंगे, जो पत्ते हैं वो कुछ ब्राइट कलर के हैं ऐसा दिखाना है। अभी हाईलाइट के लिए हम येलो कलर यूज़ करेंगे, मीडियम येलो। तो ये बेसिकली पिंक के आसपास ही ज़्यादा चलेगा और अंदर हमको चलाना है लेकिन थोड़ा सा कम। आपको देखो इस तरीके से कॉर्नर्स पे ज़्यादा चलाना है। टू मेक इट बैलेंस हम थोड़ा सा डार्क ग्रीन के अंदर और सैप ग्रीन के पास भी एक दो स्ट्रोक्स देंगे। शेडो एंड डेप्थ दिखाने के लिए वापस से सैप ग्रीन कलर लेंगे, थोड़ा सा पिंक के ऊपर चलाएंगे और येलो के आसपास चलाएंगे। ज़्यादा नहीं चलाना है, एक्स्ट्रा पत्ते निकालने हैं तो हम थोड़ा सा पिंक के ऊपर भी एक्स्ट्रा ऐसे डॉट्स बनाएंगे। सो बेसिकली हमने शुरू से आखिरी तक बार बार सारे कलर को एक ही ऊपर एक चलाया है।